तो सपोज इंक्लाइन प्लेन है, मास एम है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बताओ कि ये जो मास है वो नीचे आएगा, नीचे आने की एक्सलरेशन क्या होगी ये बताओ। जी साइन थीटा, नीचे आने की फोर्स क्या होती है एम जी साइन थीटा, नीचे आने की एक्सलरेशन क्या होती है जी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? तो इतनी एक्सलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा। ये एक्सलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है? अलोंग दी प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन के साथ मैच कर रही है, पेपर में आएगा। अगर ये मान लो ब्लॉक इस एक्सलरेशन से नीचे आ रहा है, मुझे एक्सलरेशन बताओ ब्लॉक की, ब्लॉक की एक्सलरेशन बताओ, आपको बता तो दीजिए साइन थीटा, लेकिन ऐसे नहीं, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ इसकी एक्सलरेशन क्या होगी। मुझे क्वेश्चन है, मुझे ब्लॉक की एक्सलरेशन बताओ इन वर्टिकल डायरेक्शन। ना देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक्सलरेशन है ब्लॉक की जब वो नीचे आ रहा है, मुझे इसके अलोंग डायरेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को इसके अलोंग चाहिए। तो काफी लोग बोलते हैं जी ले लो, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे होता है, बहुत लोगों के माइंड में जी आता है, पर प्रॉब्लम ये है जी तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इससे ब्लॉक थोड़ा ना नीचे आ रहा है, ये तो वैसे यूनिवर्सल जी है, ये तो तुम और मैं बैठेंगे जहां मर दुनिया में जाके बैठ जाएंगे, इंक्लाइन में ना भी बैठेंगे तो भी जी है, ये तो आंसर ही नहीं है। तो इसके अंदर ये आंसर तो मत ही देना, ठीक है? तो इसके अंदर आपको मुझे ये बताना है कि वर्टिकल एक्सलेशन क्या है। देखो इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझें, आप सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर है एक्सलेशन का जिसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ये डायरेक्शन इस तरफ है, मुझे ये बताएं कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा, बस ये बता दें जब इसका एंगल थीटा है, तो आंसर क्या होगा? 5 कॉस थीटा, यही रूल बनेगा। कॉम्पोनेंट लेंगे तो इसका भी कॉम्पोनेंट ले लें। ये देखो कॉम्पोनेंट कैसे, ये आपने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री किया, अगर ये थीटा ये 90, तो बोलो ये वाला एंगल क्या बनने वाला है, 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा। तो अब मेरे को कॉम्पोनेंट चाहिए वर्टिकल, नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट चाहिए, तो अगर मुझे नीचे का कॉम्पोनेंट चाहिए तो क्या आएगा, जी साइन थीटा के पीछे क्या लगेगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे। हाँ ठीक है, पॉइंट्स, पहले पॉइंट समझ में आया कि इस एक्सेलेरेशन का कॉम्पोनेंट ले लिया। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आप क्या बोलते, 5 इंटू, यहाँ पे आंसर क्या आ जाता आपका, 5 इंटू कितना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और अगर मैं ये बोलता यहाँ पर एक्सेलेरेशन 5 नहीं है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा है, तो फिर आप 5 की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देते, जी। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन वेक्टर कितना है, जी साइन थीटा, और आपके इसका कॉम्पोनेंट लेना है, तो जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आंसर आएगा जी इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि जी साइन स्क्वायर थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये इसका आंसर होगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सलेशन क्या होगा, जस्ट कुछ नहीं है, आपको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो एक्सलेशन पता है जी साइन थीटा, बस आपको क्या लेना है, उसका एक कॉम्पोनेंट लेना है बस, और कुछ नहीं करना।